लखनऊ में मंगलवार को सुबह लोहिया पथ पर अफरा तफरी मच गई। यहां एक रोडवेज बस मुसाफिरों को लेकर जा रही थी, लेकिन उसी दौरान उसमें आग लग गई। रोडवेज बस में आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ड्राइवर की समझदारी से बस में सफर कर रहे यात्रियों की जान बचाई गई। बस से ऊंची ऊंची लपटें उठी, जिसके बाद लोहिया पथ पर यातायात बाधित हो गया। आशंका जताई जा रही कि रोडवेज बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग का गोला बनी बस की तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़क किनारे एक बस खड़ी है और उसमें शोले भड़क रहे हैं। बस में आग लगी तो पहले उसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश की गई, सभी कोशिशें नाकाम रही और बस में भीषण आग लगी। सोशल मीडिया पर लखनऊ के लोहिया पथ में बस में लगी आग का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोग अलग अलग रिएक्शन भी दे रहे हैं। रोडवेज बस में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी भी पहुंच गए, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। CFO विजय कुमार सिंह ने बताया कि वायरिंग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। समय रहते राहत कार्य किए जाने से बड़ा हादसा टाला जा सका। हालांकि बस पूरी तरीके से जल गई।